नमस्ते मित्रों, हमारा अगला सवाल आपसे यह होगा कि स्वास्थ्य और प्राणायाम में क्या घनिष्ठ संबंध है। इसके संबंधों पर आप थोड़ा प्रकाश डालें ताकि हमारे दर्शक इन तीनों में संबंध को देख सके और फिर लाभान्वित तो हो सके। हमसे हमारे मित्र ने पूछा है कि वो घनिष्ठ संबंध पर प्रकाश मैं डालूं जिसके तहत हमारे श्वास रेस्पिरेशन जो है हमारा और हेल्थ है और प्राणायाम, इन तीनों में क्या घनिष्ठ संबंध है। तो आइए सबसे पहले तो हम यह जान लें कि हमारे श्वास का मानवीय अनुभूति के सभी पक्षों से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि श्वसन एक अचेतन प्रक्रिया है, अनकॉन्शियस है, अपने आप होती है। इसके लिए हमें कुछ भी प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी समय इस पर सचेतन नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए मित्रों, इस पर गौर करने की बात है, यह है बिल्कुल अचेतन, पर इस पर आप सचेतन फुल चेतनता के साथ नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, यह मन के चेतन और अचेतन क्षेत्र के बीच एक सेतु का काम करता है। विक्षिप्त और अचेतन मन में अवरुद्ध ऊर्जा को प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा अधिक रचनात्मक और आनंददायक कार्यों में उपयोग के लिए मुक्त किया जा सकता है। जैसा हम जानते हैं मित्रों कि हम प्रति मिनट 15 बार और प्रतिदिन करीब 21,600 टाइम्स तक हम ब्रीद करते हैं। श्वसन ऑक्सीजन और ग्लूकोज ये दोनों को बर्न कराता है, तभी तो हमें एनर्जी मिलता है, जिससे हमारे प्रत्येक हमारे मसल में कंट्रैक्शन एक्सपेंशन होते हैं, हमारे ग्लैंड्स में वो एक्सक्रीट करते हैं और मानसिक क्रिया के संचालन हेतु ऊर्जा का उत्पादन होता है। श्वास शरीर की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है, यह प्रत्येक कोशिका के कार्यकलाप को प्रभावित करती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मस्तिष्क के कार्य से भी घनिष्ठता पूर्वक जुड़ी हुई है। अधिकतर लोग अपने फेफड़े का क्षमता के थोड़े ही भाग का उपयोग कर गलत ढंग से श्वसन करते हैं और उस स्थिति में सामान्य रूप से श्वसन उथला होता है और इसी कारण शरीर अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य ऑक्सीजन और प्राण से वंचित रह जाता है। श्वसन प्रक्रिया पर सजगता केंद्रित करने में सहायक होती है, जिसकी हम सामान्य रूप से उपेक्षा कर देते हैं। जब प्रैक्टिशनर श्वसन प्रक्रिया के प्रति संवेदनशीलता विकसित कर लेते हैं और जब लंग्स की पेशियों को पुनर्प्रशिक्षित हम करते हैं, ट्रेन करते रहते हैं, तब उनकी प्राण क्षमता बढ़ाकर उन्हें प्राणायाम के लिए तैयार कर लेते हैं। यह लयबद्धता रिदमिक गहरा और धीमा श्वसन हमारे मन को शांत संतोषपूर्ण अवस्था को प्रेरित करता है और स्वयं भी इससे प्रेरित होता है। अनियमित श्वसन हमारे मस्तिष्क के सामंजस्य को भी भंग कर देता है, जिससे हमारे शारीरिक भावनात्मक और मानसिक अवरोध उत्पन्न हो जाया करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे मन में आंतरिक द्वंद्व असंतुलन व्यक्तित्व हमारे अव्यवस्थित हो जाते हैं, जीवन शैली में कई प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। प्राणायाम इन सारी प्रक्रिया को उलट देता है मित्रों, रिवर्स कर देता है और इस नकारात्मक चक्र को भंग कर नियमित श्वसन की आदत हमें डाल देता है। श्वास पर नियंत्रण
और शरीर तथा मन की स्वाभाविक शांत लय को पुनः स्थापित कर प्राणायाम इस कार्य को संपादित करता है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से श्वसन, स्वास्थ्य और जीवन शैली में कैसे घनिष्ठ संबंध है।